डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आसिफ वसीम। यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.2 जो कि चैप्टर है क्लास 10th मैथ्स पार्ट सेकंड का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मुहद्दिदी इल्म हिंदेसा। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है, मशकी सेट है, ये तीन जाब्तों पर बेस्ड है। पहला जाब्ता जो है हिस्से का जाब्ता सेक्शन फार्मूला, वसी नुक्ते का जाब्ता मिड पॉइंट फार्मूला और हिंदेसी मरकज़ यानी सेंट्रॉइड फार्मूला हिंदेसी मरकज़ का जाब्ता। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा है कि अगर जो है आपके पास कोई कतः खत है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ए बी लाइन सेगमेंट, और इस लाइन सेगमेंट को दाखिली तौर पर अंदरूनी तौर पर एक पॉइंट जो है दो हिस्सों में बांट दे रहा है, वो पॉइंट क्या है, सी है ना, दो हिस्सों में बांट रहा है या दो हिस्सों में जो है तकसीम कर रहा है किसी नस्बत में, कौन सी नस्बत में, एम टू एन, एम को एन की नस्बत में ये पॉइंट जो सी लाइन सेगमेंट ए बी को तकसीम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ए के जो मुहद्दिदीन है कोऑर्डिनेट्स एक्स वन वाई वन फ़र्ज़ किया है, सी के जो है जिस जो पॉइंट जो है ए बी को तकसीम करता है उसके कोऑर्डिनेट हम लोगों ने एक्स और वाई सपोज़ किया है, और बी इसके कोऑर्डिनेट एक्स टू और वाई टू। तो यहाँ अगर आप सी के मुहद्दिदीन मालूम करना चाहते हो एक्स और वाई, तो यहाँ उसका फार्मूला दिया हुआ है, एक्स इस तरह से मालूम करोगे एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, और एम वाई कैसे निकालोगे, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। अब अगर ये नुक्ता जो है ना वस्ती नुक्ता हो जाता है, मिड पॉइंट इस तरह से तकसीम करता है कि ये वस्ती नुक्ता हो जाता है, वस्ती नुक्ता होने की वजह से एम बराबर एन हो जाएगा, तो फिर ज़ाबता और आसान हो जाता है। इसका एक्स मुहद्दिद कैसे निकलेगा, एक्स वन जमा एक्स टू तकसीम दो, वाई कैसे निकलेगा, वाई वन प्लस वाई टू तकसीम दो। और ये जो मुहद्दिदीन हैं ये किसके, हिंदेसी मरकज़ के मुसल्लस में जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड हिंदेसी मरकज़ वस्तानीय जो है जिस पॉइंट पर अपने आप को एक दूसरे को काटते हैं वो पॉइंट जो हिंदेसी मरकज़ कहलाता है। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो ये दो ज़ाबते इस्तेमाल होंगे। तो हम लोग देखते हैं पहला सवाल, यहाँ उर्दू वाले जो बच्चे हैं वो किताब में पेज नंबर 115 जो है उस पर ये सवाल आप लोग देख सकते हो, और किताब जो है ebalbharati.in इस वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि फाइंड मालूम कीजिए द कोऑर्डिनेट्स मुहद्दिदीन ऑफ पॉइंट पी, किसके मालूम करने हैं, नुक्ता पी के, इफ़ अगर पी जो नुक्ता पी है डिवाइड्स तकसीम करता है द लाइन सेगमेंट का तय खत, कौन सा कतः खत, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, वो कतः खत जो ए और बी को मिलाने से बनता है, उस कतः खत को पी डिवाइड करता है, तकसीम करता है किस रेशो में, इन द रेशो 2:2। अगर फिगर में इसको बताया जाए तो कुछ इस तरह से होगा कि ये लाइन सेगमेंट ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं -1 और 7, और बी के दिए हुए हैं 4 -3, और पी जो है इनको तकसीम कर रहे हैं कौन सी नस्बत में, 2, 2, 3, यानी एम नस्बत एम क्या दिया हुआ है, 2 को 3 की नस्बत। अब हमें क्या पूछा है, पी के कोऑर्डिनेट्स मालूम करो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। तो क्या फ़र्ज कर लेंगे हम लोग इसको, एक्स और वाई है ना, पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई, बहुत सिंपल हो गया। कौन सा ज़ाबता लगेगा, हिस्से का ज़ाबता बाय सेक्शन फार्मूला। तो इसको हल कैसे करोगे, देखो सोल्यूशन, हमें पॉइंट पी मालूम करना है, तो लेट जो पी है वो क्या है, एक्स एक्स कॉमा वाई बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, बी द रिक्वायर्ड पॉइंट है ना। उर्दू वाले कैसे लिखोगे कि फ़र्ज़ कीजिए पी के जो मुहद्दिदीन हैं वो एक्स कॉमा वाई है। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है, एज ए जो है -1, 7, और बी जो दिया हुआ है वह है 4, -3। तो ए को क्या ले लेते हैं, जैसे हम लोग यहाँ लेते थे एक्स वन वाई वन, लेट सपोज़ फ़र्ज़ कीजिए, लेट
ए वो है एक्स वन वाई वन एंड बी जो है वो क्या है एक्स टू कॉमा वाई टू। ओके देयरफॉर इसलिए एक्स वन क्या हो जाएगा, ये अब मुआवजना करो, एक्स वन क्या है माइनस वन है ना, वाई वन क्या है सेवन, एक्स टू क्या है ना बी, हम लोगों ने ये फर्ज कर लिए तो एक्स टू फोर और वाई टू क्या है माइनस थ्री। हमें क्या निकालना है पॉइंट पी के मुअद्दिदीन यानी एक्स और वाई, तो कौन सा ज़ाब्ता लगेगा हिस्से का ज़ाब्ता। अच्छा निस्बत भी दिए हुए, हमें निस्बत भी दी हुई है, रेशो भी दिए हुए एस है ना, ये गिवन है एस एम टू एन इज इक्वल टू 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 थ्री, ये याद रहो। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा बाय सेक्शन फॉर्मूला हिस्से का ज़ाब्ता। तो एक्स मुहद्दिद निकालना है तो एक्स बराबर है ना, यही सपोज किया एक्स, तो क्या रहेगा एम एक्स टू, एम जो है वो किसके साथ जाता है एक्स टू और वाई टू, एम एक्स टू प्लस और एन किसके जाता है एक्स वन और वाई वन, तो एन एक्स वन और नीचे क्या आता है एम प्लस एन। अब एम जो है कितना रखोगे दो, तो एक्स बराबर एम क्या है यहाँ पर एम ये दो, यहाँ ज़र्ब एक्स टू फोर, ये प्लस एन थ्री, यहाँ ज़र्ब एक्स वन माइनस वन, तो इसको सिंपल कॉस में रखते हैं अपॉन एम प्लस एन यानी टू प्लस थ्री, तो इसको सॉल्व करो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू टू फोर ज़ा एट है ना। अब यहाँ देखो एक मस्बित है एक मनफी अदद है, इनकी ज़र्ब मनफी आना है निगेटिव आना है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, उसकी जो मल्टीप्लिकेशन आती है निगेटिव, अब वो माइनस क्या कर देगा इस प्लस को माइनस कर देगा, तो ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा थ्री इंटू वन थ्री अपॉन टू प्लस थ्री फाइव, तो ये आगे क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू है ना x इज इक्वल टू एट माइनस थ्री फाइव अपॉन ये फाइव, फाइव अपॉन फाइव, तो फाइव वन ज फाइव, फाइव वन ज फाइव, देयरफॉर x इज इक्वल टू वन। अब कौन सा कोऑर्डिनेट निकालना है y, तो y के लिए बायसेक्शन फॉर्मूला एज y इज इक्वल टू क्या ज़ाब्ता बनेगा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ठीक है, तो y इज इक्वल टू m कितना है दो जर, y2 कितना है y2 माइनस थ्री, तो इसको सिंपल ब्रैकेट में ये प्लस एन कितना दिया हुआ है थ्री, वाई वन कितना है सेवन अपॉन एम प्लस थ्री यानी टू प्लस थ्री, टू प्लस थ्री, सो वाई इज इक्वल टू है ना, ये माइनस मल्टीप्लिकेशन होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, उनके लिए उनकी हासिल ज़र्ब निगेटिव होगी, टू थ्री माइनस सिक्स, ये प्लस थ्री इंटू सेवन ट्वेंटी वन अपॉन फाइव, माइनस प्लस माइनस होना है, इक्कीस में से छः जाएगा कितना बचेगा ट्वेंटी वन माइनस सिक्स, ट्वेंटी वन माइनस सिक्स कितना आएगा पंद्रह फिफ्टीन, तो आएगा फिफ्टीन है ना अपॉन फाइव, और ये प्लस फिफ्टीन आएगा क्यों, क्योंकि 21 बड़ा है ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो 5 वन ज़ा 5, 5 थ्री ज़ा 15, देयरफॉर y जो आया है y इज इक्वल टू 3। तो हमें p के मुहद्दिदीन मालूम हो गए, तो यहाँ हम लोगों को लिखना रहेगा देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स है ना, यहाँ लिख देता हूँ देयरफॉर
कोऑर्डिनेट्स मुहद्दिदीन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी इज, एक्स क्या है 1 कॉमा और वाई कितना आया 3। इसलिए पी के मुहद्दिदीन 1, 3 है। तो ये पहला सवाल यहाँ पर बहुत आसानी से हल होता है। ओके तो अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरा जो सवाल है सेकंड जो क्वेश्चन है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए विच डिवाइड्स सेगमेंट PQ इन द रेशो ए टू बी। तो बहुत सिंपल सा सवाल है। ठीक है तो यहाँ पर यहाँ क्या दिया हुआ है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स, पहली एग्जांपल इसमें जो दी हुई है, फर्स्ट एग्जांपल जो है वो है पी माइनस 3, 7 और क्यू जो है वो 1, -4 और ए टू जो बी है वो दिया हुआ है 2, 2, 1। तो यहाँ देखो के इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल, नीचे दी गई हर एग्जांपल में फाइंड मालूम कीजिए द कोऑर्डिनेट्स मुहद्दिदीन ऑफ पॉइंट ए, नुक्ता ए के जो है मुहद्दिदीन मालूम कीजिए, और ये जो नुक्ता ए है विच डिवाइड्स जो कि तकसीम करता है सेगमेंट पी क्यू, कहता पी क्यू को वो तकसीम कर रहे हैं इन द रेशो ए टू बी, है ना, एम टू बी ना देते हुए, एम को एन की नस्बत ना देते हुए ए टू बी दिया हुआ, यानी एम की जगह क्या रखोगे ए। तो यहाँ एक सेगमेंट है, इसकी शक्ल हम लोग बना लेते हैं, यहाँ एक सेगमेंट है पी क्यू और इसको जो है कौन तकसीम कर रहा है ए। ठीक है, पहली एग्जांपल में पी क्या दिया हुआ है -3, 7 एकदम सिंपल है, और ये नस्बत क्या दी है 2, 2, 1 यहाँ। तो इसको दोबारा ना लिखते हुए हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, हमें ए के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं, तो ए को क्या फ़र्ज़ कर लेंगे x, y और इसको x1, y1 और इसको x2 और y2। तो देखो कैसे, लेट है ना, फ़र्ज़ कीजिए जो ए है वो x,
why Bidhi required point, है ना, और हमें P दिया हुआ है, as P जो है -3.7 और Q जो है वो 1.-4। तो P को क्या फर्ज कर लेते हैं, लेट P जो है x1 y1, है ना, क्योंकि हम लोग वही फर्ज करते हैं और Q को हम लोग ले लेते हैं x2 y2। therefore here तो हम लोग जब फर्ज कर लिए तो x1 इज इक्वल टू, है ना, PP x1-3 y1 7 x2 1 y2-4। ओके, निस्बत भी दी हुई है, एज अब m को n नहीं है बल्कि a को b है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या दिया हुआ है 2-2-1। तो अब क्या लगाएंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला, हिस्से का जाप्ता, है ना, हमें ए के कोऑर्डिनेट्स मालूम करना है। तो एक्स कैसे मालूम होगा, एक्स बराबर ए एक्स टू, है ना, यहाँ एम है एक्स टू प्लस एन की जगह बी है, बी क्या आएगा x1 अपॉन, अब m जमा n नहीं रहेगा बल्कि a जमा b रहेगा, ठीक है। अब यहाँ हम लोग लेते हैं x बराबर, a कितना दिया हुआ है 2, जरूर x2 कितना है x2 1 प्लस b कितना है 1 इंटू x1-3, तो इसको हम लोग cos में रखते अपॉन a जमा b यानी 2 जमा 1, तो क्या हो जाएगा, देखो, है ना, x इज इक्वल टू ये 2 हो गया, है ना, ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो जाएगा और एक जर्ब वो 3, तो ये 3 हो जाएगा अपॉन ये 3, है ना। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2-3-1 आएगा, -1/3 माइनस होगा और बड़े अदद की निशानी माइनस, तो ये x हमारे पास आ गया। अब क्या निकालना है, y, तो y का क्या रहेगा, m y2, अच्छा यहाँ m नहीं रहेगा बल्कि a रहेगा, और b y1 अपॉन a प्लस बी, तो यहाँ y इज इक्वल टू a कितना है 2, जर y2 कितना है -4, तो इसको cos में रखते हैं, प्लस b कितना है 1 प्लस y1 कितना है 7 अपॉन a जमा b यानी 2 जमा 1, तो ये माइनस प्रोडक्ट आएगा इसका, क्योंकि एक पॉजिटिव नेगेटिव है तो 2 4 -8 आएगा, प्लस 7/3, माइनस प्लस माइनस होगा, 8 में 7 गए 1, लेकिन 8 बड़ा है वो मनफी है तो ये माइनस रहेगा, -1/3, तो दोनों जो है उसके कोऑर्डिनेट्स वही आ रहे हैं। देयरफॉर यहाँ पर लिखना रहेगा, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स मुहद्दिदीन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द पॉइंट ए इज, क्या है, एक्स कितना आया -1/3 और वाई भी क्या है -1/3, तो ये माइनस है ऊपर लिखो या फिर बीच में लिखो, दोनों चलता है। तो ये दूसरा जो सवाल है उसकी पहली मिसाल, अब हम लोग दूसरी मिसाल देखते हैं। तो यहाँ जो है सिर्फ मुहद्दिदीन बदल गए हैं,
अभी अब पी जो दिया हुआ है, यहाँ पर पी माइनस टू कॉमा माइनस फाइव, क्यू जो दिया हुआ है फोर थ्री, और यहाँ पर रेशो जो है ए टू बी जो है वो हमें दिया हुआ है थ्री टू फोर। तो वही है एक सेगमेंट पी क्यू, लेकिन यहाँ निस्बत बदल गई है 3 to 4। तो यहाँ जैसे ए था ये पी हो गया, इसको एक्स वन वाई वन ले लेंगे, जो नुक्ता तकसीम कर रहे हैं उसको एक्स और वाई। सिंपल है, वैसा ही करना है सोल्यूशन। हमें रिक्वायर्ड जो चाहिए, लेट ए जो के तकसीम कर रहे डिवाइड कर रहे उसको सपोज कर लेते हैं उसके मुअद्दिदीन एक्स और वाई, ये बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। ओके, क्या दिया हुआ है पी माइनस टू कॉमा माइनस फाइव, और क्यू हमें दिया हुआ है फोर कॉमा थ्री। इनको फर्ज कर लेते हैं, लेट पी को क्या ले लेते हैं एक्स वन वाई वन, एक्स वन वाई, और क्यू को एक्स टू एक्स टू वाई। देयर फोर, इसलिए हियर एक्स वन इज इक्वल टू माइनस टू, वाई वन माइनस फाइव, एक्स टू फोर और वाई टू थ्री। निस्बत दी हुई है एज ए टू बी, एम टू एन ना लेते हुए ए टू बी, तो थ्री टू फोर। क्या लगाओगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, हिस्से का जाप्ता। तो यहाँ एक्स मुहद्दिद ए का कैसे मालूम होगा, ए एक्स टू प्लस बी एक्स वन अपॉन ए जमा बी, है ना। यहाँ वैल्यूज रखो, एक्स इज इक्वल टू ए कितना है थ्री इंटू एक्स टू कितना है एक्स टू फोर, ये प्लस बी कितना है बी फोर इंटू एक्स वन माइनस टू, तो ये माइनस है तो इसको ब्रैकेट में लेते अपॉन ए प्लस बी यानी थ्री प्लस फोर, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ थ्री इंटू फोर ट्वेल्व, तो एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व। यहाँ देखिए ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो जाएगा फोर टू ज़ा एट, तो ये एट अपॉन तीन जमा चार सात, यहाँ बारह में से आठ गए कितना बचेगा चार, तो ये हो गया मस्ट भी चार रहेगा पॉजिटिव क्योंकि ट्वेल्व है, तो फोर अपॉन सेवन। तो ये एक्स मुहद्दिद या एक्स कोऑर्डिनेट ए का आ गया। अब क्या निकालना है वाई, तो वाई के लिए क्या रहेगा ए जो है वाई टू रहेगा, और बी के साथ क्या रहेगा वाई वन अपॉन ए जमा बी। सो वाई इज इक्वल टू ए कितना है थ्री इंटू वाई टू, वाई टू देखो थ्री है इंटू थ्री, ये प्लस बी कितना है थ्री, बी है फोर इंटू वाई वन माइनस फाइव, तो इसको हम लोग कॉस में रखते हैं माइनस फाइव अपॉन, यहाँ रहेगा थ्री प्लस फोर, थ्री थ्री ज़ा नाइन प्लस, अच्छा अच्छा ये माइनस है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये ट्वेंटी फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी, ये क्या हो गया सेवन। तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस होना है, बीस में से नौ गए ग्यारह, लेकिन मनफी ग्यारह आएगा निगेटिव ग्यारह क्योंकि ट्वेंटी बड़ा है और उसके साथ निगेटिव साइन। तो यहाँ वाई जो हम लोगों का आया माइनस एलेवन अपॉन सेवन, तो यहाँ लिखोगे देयरफोर द कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए इज
एक्स क्या है, पहले एक्स लिखते हैं 4/7, और वाई क्या है -11/7। तो हिस्से का ज़ाब्ता इस तरह से। इसके बाद एक मिसाल इसमें और है, एग्जांपल नंबर 3 है ना। तो थर्ड जो एग्जांपल है इसमें P जो दिया हुआ है 2.6, Q दिया हुआ है 4-4.1, और निस्बत जो दी है, रेशो दिया हुआ है A to B = 1:2:2। तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा 1:2:2, तो ये निस्बत है ये 1 और ये 2। पॉइंट ए है जो कि तकसीम कर रहा है इस निस्बत में, इस रेशो में। तो हमें क्या मालूम करना है, पॉइंट्स ए जो है उसके मुहद्दिदीन यानी एक्स और वाई, तो सेक्शन फार्मूला लगेगा हिस्से का ज़ाब्ता। तो यहाँ देखिए सोल्यूशन क्या मान लेते हैं कि ए के जो मुहद्दिदीन है वो एक्स और वाई है। लेट सिर्फ इतना भी लिख दोगे ना ए एक्स कॉमा वाई तो चल जाएगा, है ना। अब उसके बाद पी क्या है, पी 2.6 एंड क्यू क्या है -4.1। तो लेट फर्ज कीजिए पी को हम लोग क्या फर्ज कर लेते हैं, x1 y1, एंड क्यू को क्या ले लेते हैं x2 y2। देयरफोर हियर है ना, इसलिए x1 क्या आ जाएगा 2 y1 6, x2 = -4 और y2 = 1। ओके, निस्बत भी हमें दी है, रेशो A to B = 1:1। अब बायसेक्शन फॉर्मूला, बायसेक्शन हिस्से का ज़ाब्ता, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो x क्या रहेगा, x = है ना, m की जगह a है तो m के साथ x मालूम करें तो x2, प्लस n की जगह b है तो n के साथ x1, a + b। वैल्यूस रखो, कीमतें रखो, x = a1 × x2 - 4, माइनस है तो इसको कॉस में रखते हैं, प्लस b2 × x1 2 अपॉन है ना a + b यानी 1 + 2। अब ये देखिए ये पॉजिटिव एक निगेटिव, उनकी ज़र्ब होगी तो निगेटिव आएगा, तो x = -4 हो जाएगा, x = -4, ये प्लस 2 × 2 = 4 अपॉन 1 + 2 = 3, x = -4 + 4, ± होना है 4 - 0 अपॉन 3, तो x = 0/3। हम लोग क्या देखेंगे कि 3 के टाइम्स टेबल में 0 आते हैं, तो आमतौर से टाइम्स टेबल हम लोग 1 से शुरू करते हैं, 3 1 3, तो यहाँ आप 0 से शुरू कर सकते हैं, 3 0 0, तो 3 के टाइम्स टेबल में 0 आता है कौन सी प्लेस पर, 0, तो 3 1 0, 3 1 3, 3 0 0 है ना, 3 0, तो यहाँ पर 0/3 क्या आएगा 0। तो ये x बराबर कितना आ गया 0। अब y निकालो, y = तो y क्या रहेगा a y2 + b y1 / a + b,
तो y इज इक्वल टू a क्या है 1 इंटू, है ना, y2, y2 क्या है 1 प्लस b क्या है 2 इंटू y1 6 और ये 1 प्लस 2, तो y इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1 2 6 जा 12 अपॉन 3, है ना, 1 y2 1 b2 और y1 6, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 13 अपॉन 3। सिंप्लीफाई नहीं हो रहे हैं वैसे ही रहने दो, तो देयरफॉर यहाँ लिखना है हम लोगों को द कोऑर्डिनेट्स मुहद्दिदीन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, कौन सा पॉइंट ए इज कॉस में लिखो x 0 y 13 अपॉन 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये दूसरा सवाल पूरा होता है, इस दूसरे सवाल में 3 क्वेश्चन थे, अगले जो सवाल आते हैं वो हम लोग अगले लेसन में लेंगे।